नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र, आप सभी का स्वागत है हमारे टूल्स विला यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं टेबल टॉप वेट ग्राइंडर मशीन, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये टेबल टॉप वेट ग्राइंडर जो मशीन है, ये 2 लीटर का है। और इसके बारे में जानते हैं कि इस मशीन के साथ क्या क्या आता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो आप देख रहे हैं, ये यदि आप ग्राइंडिंग करते हैं तो इसको आप ढक सकते हैं, जो कि ट्रांसपेरेंट कलर है। ऊपर से हम देख सकेंगे कि हमारा मटेरियल ग्राइंडिंग हुआ कि नहीं हुआ। ये जो लीड है, ये फाइबर का लीड है। और ये जो देख रहे हैं आप, ये आटा गूंदने के लिए है, जो कि आप इसे लगा देंगे इसके अंदर और इसे आटा गूंद सकते हैं। वो भी आपको आगे हम दिखाने वाले हैं, किस तरह से उसको फिटिंग करते हैं, किस तरह से गूंदते हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। ये जो आप देख रहे हैं, 2 स्टोन आते हैं। और ये जो देख रहे हैं, जो कि स्टोन लगा के और उसके ऊपर हम इसे टाइट कर सकते हैं। तो अभी मशीन का पावर के बारे में जानेंगे। जैसे कि मशीन है आपका 220 से 240 वोल्ट का, और इसका जो मोटर लगा हुआ है वो 120 वाट का है। चलिए आगे जानते हैं इस मशीन को कैसे ऑपरेट करते हैं, कौन सी मटेरियल किस तरह से पिसाई करते हैं, वो भी आपको बताने वाले हैं। चलिए अभी जानेंगे इस मशीन को किस तरह से फिट करते हैं, वो आपको दिखाएंगे। तो चलिए अभी हम फिटिंग करेंगे, कैसे फिट करते हैं वो आपको दिखाने वाले हैं। तो पहले हम स्टोन को फिट करेंगे। जैसे कि देख सकते हैं, स्टोन पूरा ही बैठ गया। अब हम इसे टाइट कर देंगे। तो इसे प्रेस करके टाइट करना पड़ता है। अब इसे हमने टाइट कर लिया है। ये जो लीड देख रहे हैं, लीड ठीक किसी का ग्रुप में बैठ जाता है। तो ये हमारा मशीन अभी पूरा कंप्लीट है। और जो आटा गूंदने वाला है, वो भी आपको एक बार दिखा दे किस तरह से फिट होता है। ये जो देख रहे हैं, ठीक उसी तरह से ये भी बैठेगा। और इसे हम टाइट कर देंगे। जैसे कि देख सकते हैं, अब पूरा मशीन फिटिंग हो गया है हमारा। अब हम इसे किस तरह से ग्राइंडिंग करता है वो आपको दिखाने वाले हैं। चलिए आइए देख लेते हैं कैसे इस पर पिसाई करते हैं। जैसे कि आपको हमने दिखाया इस मशीन को किस तरह से फिटिंग करते हैं और कैसे इसे असेंबल करते हैं, वो भी हम आपको दिखा दिया है। तो अभी हम दिखाएंगे इस मशीन को किस तरह से इस मशीन से ग्राइंडिंग किया जाता है। तो जैसे कि हमारे पास चावल और दाल भिगाया हुआ है, तो जैसे कि आप देखेंगे ये हमारा मूंग दाल है, जो कि इस मशीन से हम ग्राइंडिंग करने वाले हैं। और ये जो देख रहे हैं, ये चावल है। तो इसे भी हम इस मशीन में ग्राइंडिंग करके आपको दिखाएंगे और किस तरह से ग्राइंडिंग होता है वो भी आपको दिखाएंगे। तो चलिए अभी हम मशीन को ऑन करेंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे ऑन ऑफ स्विच है, तो हम इसे पहले ऑन कर देंगे, उसके बाद हम दाल को ग्राइंडिंग करेंगे, इसमें पिसाई करेंगे। तो ये हम मशीन को अभी हम इसे ढक देंगे। हमें देख सकते हैं आप, दाल को हमने पूरा ही डाल दिया है। अभी हम ढक देंगे और ऊपर से भी आप देख सकेंगे हमारा मटेरियल डिसाइड हुआ है या नहीं हुआ है, वो पूरा ही क्लियरली दिखाई दे रहा है। एक बार हम इसे चेक कर लेंगे कितना पिसाई हुआ है। चलिए अभी हम देखेंगे, हमारा ग्राइंडिंग हो गया है, आप देख सकते हैं। अभी मशीन को ऑफ करेंगे।
अब देखेंगे बहुत ही अच्छी तरह से ग्राइंडिंग हुआ है, एकदम मीही हुआ। तभी हम इसे बाहर निकालेंगे और इसके बाद हम आपको चावल जो दिखाया हमने वो चावल भी पीस के दिखाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया से इस मशीन से हमने दाल को पिसाई किया है एकदम मीही। तो चलिए अभी हम चावल को पिसाई करेंगे, जो कि हमने आपको चावल पहले दिखाया है। चलिए अभी एक बार चेक करेंगे इसे कि हमारा कैसा पिसाई हो रहा है। जैसे कि देख रहे हैं होने वाला ही है पिसाई, एक बार बीच बीच में इसे रोलर में जो पकड़ लेता है चम्मच के सहारे इसको छोड़ा लेंगे, क्योंकि चावल थोड़ा पकड़ लेता है रोलर में। चलिए हमारा चावल भी पिसाई हो गया है, तो भाई हम मशीन को ऑफ कर देंगे। देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया पिसाई हुआ है, तभी से हम बाहर निकाल के भी दिखा देंगे एक बार आपको। तो दोस्तों जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये मशीन 3 डिफरेंट कलर में आता है, और ये मशीन आपको पसंद है या मशीन ख़रीदना चाहते हैं तो इस मशीन का प्राइस है 2100 से लेकर 2600 तक आता है। यदि इस मशीन को आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे लिंक मिल जाएगा, जो कि वहां से आप क्लिक करके ऑर्डर कर सकते हैं, और हमारे दिए गए नंबर पर भी आप वहां से कॉल करके ऑर्डर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मशीन के साथ, तब तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।